हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे की गाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। और ये जो गाड़ी हम बनाएंगे हमारे मनपसंद की बनाएंगे, जैसे कई बच्चे चाहते हैं या इस तरह से हम गेट लगाएं, खिड़कियां ऐसे बनाएं, पहिए हमारे इस तरह से बने, तो हम उसी तरह से हमारे अकॉर्डिंग एक गाड़ी बनाएंगे। तो हमने जैसे ये आपको एक खाली डिब्बा बता रही हूँ, इस तरह से एक खाली डिब्बा ले रहे हैं हमने जो गाड़ी बनाई है, अभी छोटी गाड़ी बनाई है, तो हमने एक खाली डिब्बा लिया है एकदम। ये एक हमारा खाली डिब्बा था, हमने इसे लिया है और इसको कलरफुल कर दिया है। इसमें हमने ये खिड़कियां बनाई है, यहाँ हमने डोर बना दिया आगे की तरफ, और पीछे जो है हमने गेट लगाया है, और यहाँ पे हमने कलरिंग करी है पूरी। और जो भी आप इस तरह से बनाना चाहें खिड़कियाँ, और जैसे ये हमारी एक तरह से हमने बस बनाई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो फेविकोल की बोतल होती है इसके ऊपर का जो कैप है वो हमने यूज़ की है इसमें टायर्स के लिए। और इसी तरह से हमने जो बोतल कैप होती है, ये ग्लूकोन डी की जो आती है बोतल कैप, वो भी हमने इसमें लगा रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बोतल कैप यूज़ की है। और इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए हमने जो ये झाड़ू की जो सीख होती है वो हमने लगाई है इसमें। ये आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए, जैसे हमें बड़ा बनाना है ट्रक स्टाइल में, तो अब जैसे मैंने ये डिब्बा ले रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लेना पड़ेगा। और इसमें मैंने जो लगाई है, मैंने इसकी लेंथ के हिसाब से इसको लगाई है, और इसको बीच में से निकाल कर और इसमें ये टायर मैंने सेट कर दिए हैं। और ये जो कैप है बोतल की, उसको हमने एक जो रिफिल की कैप आती है ऊपर की जेल पेन की, उसको हमने कवर कर दिया है ताकि ये निकले नहीं। और यहाँ पे हमने ये फेविकोल के इनको कैप को सेट कर रखा है और इनको फेविकोल से चिपका दिया है ताकि ये निकले नहीं। और देखिए कितनी प्यारी ये गाड़ी हमारी बन गई है, इसको हमने सीख से इनको सेट कर दिया है। और इनके जो होल हैं वो मैंने एक जो कील है इस तरह की, इससे मैंने इसको बीच में होल कर दिए हैं, ये यहाँ पर रखकर हमने किसी भी चीज़ से हमने इसको प्रेस करके और इस तरह से हल्का हल्का हम इससे कर देंगे। तो ये हमारा होल होने के बाद हम इसको सेट कर देंगे कैप को। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी जो बस है वो बन जाती है। इसमें ये बच्चे जो हैं यहाँ पर इरेजर वगैरह इसमें रखकर काफ़ी अच्छी तरह से इसको गेम की तरह खेल सकते हैं। इसमें आप कुछ भी रख भी सकते हैं, साथ में स्टोरेज भी कर सकते हैं, और इसको बंद कर कर बस की तरह गाड़ी की तरह इसको चला भी सकते हैं। देखिए अभी हम इसे चलाएंगे, हमारी ये जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है, इसे हम चलाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी चल रही है हमारी गाड़ी। तो आप भी इसे बनाइएगा और घर पर ट्राई करिएगा, बच्चों को अपने मनपसंद जो गाड़ी है वो मिलेगी चलाने के लिए। ये हमारी गाड़ी काफ़ी अच्छी से तैयार हो चुकी है, ये इस तरह से चलेगी। ये देखिए टायर के पीछे घूम रहे हैं, तो आप किसी भी इस तरह के डिब्बे से, जैसे ये हमने इस तरह का डिब्बा लिया, आप चाहें तो ये बड़ा डिब्बा लेकर इसको भी वाइट रैपर से इसको सजाकर और इस पे इस तरह की कोई भी ड्राइंग बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। और जो झाड़ू की जो सीख होती है या कोई भी आप सीख ले लीजिए, आर पार इसको होल बनाकर दोनों तरफ, और इतने बड़े डिब्बे को ट्रक का भी आकार दे सकते हैं, और इसमें अपने जो खिलौने वगैरह है वो सेव कर कर रख भी सकते हैं ताकि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चे भी क्या आराम से इसे ट्रक बनाकर खेल भी सकेंगे। जैसे हमने ये बनाई है, हमारे इसमें इरेजर पेंसिल वगैरह सब रखी हुई है, छोटी छोटी जो पेंसिल्स होती हैं या फिर वैक्स कलर है वो इसमें रख लीजिए, और साथ में ये हमारा खिलौने का भी काम कर रहा है। तो आप भी इसे घर पर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, अपने बच्चों को खुश कीजिएगा।
और आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तब इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ों को बनाना चाहते हैं, जो बच्चे भी इन चीज़ों को बना सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।